नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ोनपे में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइज, फ़ोनपे में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में फ़ोनपे ऐप्स को ओपन कीजिएगा। फ़ोनपे ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर डालिएगा। गाइज, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते समय एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर फोनपे में एंटर कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में आपके अकाउंट से लिंक हो। अगर आप फोनपे अकाउंट किसी दूसरे नंबर से बनाते हैं और वो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड नहीं हो, मतलब कि आपके अकाउंट से लिंक नहीं हो, तो आपका फोनपे अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा मगर आप UPI पिन नहीं बना पाइएगा, जिससे आपको होगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाइएगा और साथ ही रिचार्ज भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा और मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आगे आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद फोनपे यहाँ से आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो इसे आप अलाउ कर दीजिए। अब गाइज, यदि आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल नंबर में लगा है तो एक OPT आता है आपके मोबाइल नंबर पे और ऑटो वेरीफाई हो जाता है। मगर आपका वो नंबर किसी अन्य मोबाइल में लगा हो तो उस मोबाइल पे एक OPT जाएगा और उस OPT को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे हम अपना OPT को डालते हैं। OPT डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा वेरीफाई। तो यहाँ से आपका फोनपे अकाउंट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ डेमो मिलता है। इस तरह से आपको 4 बार डेमो मिलता है, तो आप क्लिक कीजिएगा सब पे नेक्स्ट। अब आप फोनपे अकाउंट में अपने नेम को और अपने फोटो को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो फोनपे में सबसे पहले हम अपने फोटो को सेट करते हैं, तो फोटो को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा गैलरी पे, और गैलरी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से आपको परमिशन देना होता है, तो क्लिक कीजिएगा अलाउ। तो यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाती है और गैलरी से अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप फोनपे पे अपलोड करना चाहते हैं प्रोफाइल के रूप में। तो इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं फोनपे पे अपलोड करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके फोटो को क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लीजिएगा। जब फाइनली सेट हो जाए तब क्लिक कीजिएगा स्टिक मार्क पे और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा अपलोड। अब आपका फोटो आपके फोनपे प्रोफाइल में अपलोड हो जाता है। अब आपको फोनपे में अपना नाम सेट करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एडिट डिटेल, और एडिट डिटेल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे यूजर में अपना नाम लिखिएगा, आपका जो नाम है। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखता हूँ। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और नहीं चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना नाम सेट करके और यहाँ पे क्लिक करते हैं अपडेट चेंजेस पे और आते हैं बैक। तो यहाँ से अब आपका फोनपे अकाउंट बन जाता है। तो गाइस, फोनपे अकाउंट बन जाने के बाद जब तक आप अपने बैंक अकाउंट को फोनपे से लिंक नहीं करते हैं तब तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाइएगा, किसी को मनी सेंड नहीं कर पाइएगा या फिर रिचार्ज नहीं कर पाइएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि फोनपे को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करें तो उस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और देख लीजिए उस वीडियो को कि फोनपे में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, फोनपे अकाउंट कैसे क्रिएट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।